दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उषा की किरण में। दोस्तों एस्कॉर्ट ने अभी अपने हाल ही में नए जो है बैकहो लोडर को यहाँ पर शोकेस किया है, जो कि आने वाले समय के अंदर आपके शहर और राज्य में बहुत जल्दी अवेलेबल होगा। इसके कुछ आपको मैं फीचर्स बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडस्ट्री के अंदर आपको सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो है ये जो बकेट है इससे कितने ऊपर से इसको जो है ड्रॉप कर रहा है वो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। इसके अंदर आपका डिगिंग जो है वो कितना गहराई में होगा वो भी आपको इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो है इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। और इसकी अगर हम इसकी बकेट की बात करें तो 1.2 क्यूबिक लीटर के आसपास जो है इसका फ्रंट में जो बकेट है वो दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है सेगमेंट के अंदर। और मॉडल का नाम है डिगमैश सुपर। इसकी मैं दोस्तों अगर आपको कीमतों के बारे में एक आइडिया दूं तो लगभग 30 लाख रुपए के आसपास की कीमतों में आप जो है इनको खरीद सकते हैं। एस्कॉर्ट ब्रांड की नेमिंग है, डिगमैश सुपर की ब्रांडिंग है। और यहाँ पर जो आपको ये बकेट दिया गया है जिससे कि आप जो है डिगिंग वगैरह करेंगे, ये भी आपको 0.27 क्यूबिक मीटर के आसपास का जो है यहाँ पर आपको ये बकेट प्रोवाइड किया गया है। तो एस्कॉर्ट का इंजन ही यहाँ पर बैकहो के अंदर यूज किया गया है। तो सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर यह कि एस्कॉर्ट का खुद का इंजन जो है इसके अंदर यूज किया गया है, जिससे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन देखने के लिए मिलेगी। BKT के टायर हैं 16.9 28 के आपको यहाँ पर टायर दिए गए हैं, काफ़ी बड़े। और आगे का टायर आपको इसके अंदर जो है वो भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। आगे वाला टायर आपको यहाँ पर मिलेगा, ये भी आपको 916 का टायर जो है आगे की साइड में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आपको ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर फुट पैड दिए गए हैं, डीजल टैंक है इस साइड में। और एक अच्छी बात दोस्तों कि ड्राइवर जब लॉन्ग टर्म तक चलाता है बैकहो लोडर को तो उसको यहाँ पर धूप वगैरह ना लगे, तो उसकी सेफ्टी के लिए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसके जो ग्लास हैं चारों तरफ से ये आपको यहाँ पर जो है टिंटेड दिए हैं, जिससे कि धूप वगैरह या सनलाइट उसको डायरेक्टली परेशान नहीं करती है। लाइट्स वगैरह हैं, ORVM वगैरह हैं, वो ड्राइवर को ऑपरेट करते समय यहाँ पर जो है काफ़ी सहायक होते हैं। तो ये आपका यहाँ पर इंजन है, 74.5 HP का इंजन इसके अंदर दिया गया है। 4-सिलेंडर इंजन रहेगा, जिससे आपको यहाँ पर जो है 340 Nm के आसपास का इससे आपको टॉर्क मिलेगा। और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर आपको जो है इसका हाइड्रोलिक ऑयल जो है फिल करने का टैंक यहाँ पर इस साइड में दिया गया है। तो इस तरह का ये केबिन है। फिलहाल ये केबिन बंद है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता इसको ओपन करके। और हेक्सागोनल शेप के अंदर ये केबिन दिया गया है, जिससे कि इसके अंदर आपको जो है चौड़ाई जो है अच्छी खासी देखने के लिए मिलती है, यानी कि इसके अंदर आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है। ड्राइवर को ऑपरेट करते समय स्पेस की यहाँ पर कोई कमी नहीं होगी। तो CEV स्टेज BS4 इंजन के साथ में है एस्कॉर्ट का डिगमैश सुपर, जिसकी प्राइसिंग के बारे में मैंने आपको आइडिया दे ही दिया है। अब इसके अगर हम फ्यूल कंजप्शन की बात करें तो अगर आप इसको चलाते हैं, हाफ हाफ काम करते हैं दोनों ही साइड से, डिगिंग और आप जो है इसका ड्रॉपेज का, तो इसके अंदर अगर हम मान के चलें तो लेकर के 5 से लेकर के 6 लीटर के आसपास का जो है आपका डीजल का खपत जो है ये 1 घंटे के अंदर करेगा। तो जितनी जानकारी हमें मिल सकी थी हमने आपको दे दी है। केबिन के अंदर का व्यू अगर आप देख पा रहे हैं तो वहाँ पर इसके अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम भी प्रोवाइड किया गया है, फ़ैन वगैरह है और काफ़ी सारे कंफर्ट का ख्याल कंपनी के द्वारा यहाँ पर रखा गया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। पहली बार चैनल पर आए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।